हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको आज कोट फ्रॉक बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो छोटे बच्चे के लिए हम कोट फ्रॉक बनाएंगे, लड़की के लिए। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, ये डबल कपड़ा है, हम बिछा लेंगे इसे। अब एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। इसकी जो चौड़ाई रखेंगे हम फोल्ड करके 6 इंच। तो देखिए, पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो जैसे बच्चे का नाप 8 है तो 4 रखेंगे, अगर 10 है तो 5 रखेंगे। तो ये मैं 4.5 रख रही हूँ। आधा इंच यहाँ बढ़ा दूंगी मैं, ये 5 और यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब ये 2 इंच पर निशान लगाएंगे, गले का निशान। तीन पर और ये 1.5 इंच पर। ये पीछे का है या आगे का है? तो जैसे हमारा तीरा होता है उसी हिसाब से हमें ये कमर का निशान लगाना है। तो जैसे हमारा तीरा 4 है तो हम 8 रखेंगे ऐसे। ये हमारी कमर का निशान हो गया। कमर ज़्यादा हल्का ढीला ही रखेंगे बच्चे के लिए, ये मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ। मतलब कपड़े से हम 1 इंच अंदर निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस कोने से मिला देंगे ऐसे। अब जो हमारा कोना है, ये कपड़े का जो कोना है हमारा, इस कोने से ऐसे हम तिरछा निशान लगा लेंगे। ये कमर हो गई, ये हमारे पल्ले हो गए। तो जो हमारे पल्ले हैं, ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, यहाँ से हम 2.5 या 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसको मिला देंगे। अब यहाँ हम हल्की सी सॉरी ये गलत लग गया है, इसको हम और ऊपर लाएंगे गले के पास। यहाँ भी हम 3 का निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पर मिला देंगे। देखिए, तो जो हमारे मुड्ढे हैं यहाँ पे हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसका बॉक्स बनाएंगे ऐसे। अब इस बॉक्स में हम गोलाई करेंगे और ये हमारे मुड्ढे में ज्वाइंट हो जाएगा। ये गलत है। और एक निशान हल्का सा आगे को भी ऐसे ले लेंगे। ये अंदर का है, ये पीछे का है। अब जो हमारा गला है इसको भी हम बना लेंगे। चलिए हम इसे काटते हैं। ये जो हमारे मुड्ढे हैं यहाँ से हम 1/2 इंच घटाएंगे। ये हमारा तीरे का निशान है, 1/2 इंच पे हमने तिरछी कटिंग कर दी है।
तो देखिए ये जो हमारे पल्ले हैं यहाँ पे भी हम 1 इंच ऐसे तिरछा निशान काट लेंगे, हल्का सा गोलाई दे देंगे यहाँ पर। आगे का हमें बाद में काटना है, पहले हम इस कटिंग को निकाल देंगे। तो देखिए हमारा सूट कट चुका है ये। अब ये गला हमें काटना है, तो ये अंदर का थोड़ा हम निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारा सूट कट चुका है। ऐसे अब हमें यहाँ पर कलियाँ लगानी है, तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ जो कमर का निशान है हमारा 8 साढ़े 8 पर, तो यहाँ से हम नाप लेंगे हमें कितनी कली लगानी है। तो हमें ये 7.5 या 8 इंच की कली लगानी है। तो देखिए मैंने ये डबल कपड़ा लिया है, इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच रखेंगे हम, और जो इसकी चौड़ाई लेंगे हम कली की वो हम फ्रॉक के घेर के हिसाब से लेंगे, जैसे भी आपने रखना हो 5 या 6। तो मैं 6 लूँगी, सिल करके वो 5 पर ही आ जाएगा। अब एक कोने से दूसरे कोने पर हम ऐसे सिलाई लगा कटिंग कर देंगे। तो देखिए जो हमने निशान लगाया इसे काट लेंगे। तो देखिए बराबर कर लिया है हमने इसे। अब ये जो हमारी लंबाई है तो ये 8 इंच है, उसी हिसाब से हम इसे निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम इसे काट देंगे। तो देखिए जो हमारी कलियां हैं ये ऐसे हम रख लेंगे इसको, तो ये सिल करके ऐसे आएगा। देखिए ऐसे ये सिल करके आएगा। देखिए ये सब हमें जोड़ने हैं। तो चलिए अभी हमें आस्तीन काटनी है। तो देखिए मैंने ये डबल कपड़ा लिया है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसकी जो चौड़ाई है हम जैसे हमने बुढ़े में रखा है 5 इंच, तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो ये मैंने 5.5 इंच ले लिया है। जो आस्तीन की चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रखें, जैसे कि सिल करके ये 4 रह जाएगी, तो मैंने 5 इंच इसकी चौड़ाई भी ले ली है। अभी कटे हुए हिस्से से हमें निशान लगाना है, तो ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया और इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी मोहरी है। तो बच्चों के लिए तो हम चाहे इसमें इलास्टिक लगानी हो तो हम इसमें पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन हल्की सी हमें कटिंग तो करनी ही होगी। तो मैं 1/2 इंच पर यहाँ कटिंग कर लूँगी। तो देखिए ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। चलिए मैं आपको अब सिलकर दिखाती हूँ। ये मैंने पाइपिंग ली हुई है, 1-1 इंच की हमने पाइपिंग काट ली है, 1-1.5 इंच की। तो
देखिए सबसे पहले हम एक हिस्सा लेंगे और इसमें हमें निशान इसमें हमें सिलना है ऐसे। कल के साथ हम पाइपिंग को तो देखिए पहले हम इसे ऐसे पाइपिंग को रख लेंगे इसके साथ और इसके ऊपर कली रख करके ऐसे सिल देंगे इसको बराबर में लेकर के, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे और जो हमने कटिंग की थी इसको इसके ऊपर रख करके ऐसे। तो देखिए ये मैंने लगा दी है पाइपिंग, ऐसे ही हमें इस साइड भी जोड़नी है तो इस साइड भी ऐसे जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने ये जोड़ दिया है इसमें, ऐसे ही हमें पीछे वाला पल्ला भी करना है। तो चलिए इसमें हमें पाइपिंग नहीं लगानी है पीछे वाले में, ऐसे ही कली जोड़ लेंगे। तो एक कली हम यहाँ रखेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने कलियाँ जोड़ दी हैं, अब हम इसे जो हमारी साइड का कपड़ा है उसको भी हम जोड़ लेंगे। साइड भी जोड़ना है कपड़ा। तो देखिए मैंने दोनों साइड से जोड़ दी हैं कलियाँ, अब जो हमने पल्ले जोड़ सिले हैं ये जो हमने पल्ले सिले हैं इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख करके सबसे पहले तीरा जोड़ लेंगे। ये दोनों हम तीरा जोड़ लेते हैं। तो देखिए कंधे हमने जोड़ लिए हैं, अब जो हमारा पीछे का गला था उसमें हमने ये 3 इंच पर कट मार दिया है पीछे, अभी हम इसमें कपड़ा जोड़ेंगे। ये हमने हुक पट्टी बनाई है। तो देखिए मैंने पट्टी लगा दी है एक तरफ हमने अंदर वाली और एक इस कपड़े के अंदर, तो यहाँ हम बटन या हुक लगा लेंगे। अब जो हमारा गला है इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं। तो देखिए हमने पाइपिंग लगा दी है गले में, अब हम इसके आस्तीन सिलेंगे। तो जो पीछे का है वो पीछे लगाएंगे रख करके ऐसे, और जो आगे का है वो आगे सिलेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी सिलना है। तो देखिए दूसरी साइड पे मैंने चुना डाल दिया है। अब जो हमारा ये मोहरी है इसमें हम बीच में चुना डाल करके पाइपिंग लगा देंगे। तो देखिए मैंने ये लगा दी है और ये चुनट भी हमारी डल गई है इसमें, अब हमें इसको सिल लेना है। देखिए अब जो हमारी ये सिलाई है इसको हम आस्तीन से लेकर पूरा नीचे तक सिल लेंगे। तो देखिए ये मैंने फ्रॉक सिल दी है, ये देखिए आस्तीन भी लगा दी है मैंने, गले पर भी पूरी तैयार हो चुकी है हमारी ये फ्रॉक। अब जो हमारी ये किनारी है नीचे, यहाँ पे आप चाहें तो ऐसी पाइपिंग लगा सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे मोड़ करके और पूरे में सिलाई लगा सकते हो। तो देखिए मैंने नीचे सिलाई लगा दी है,
ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। सूट का सूट और फ्रॉक की फ्रॉक है। ये देखिए यहाँ पे हम एक बटन लगा लेंगे या हुक लगा देंगे और देखिए कितनी सुंदर लग रही है फ्रॉक। आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।